मैं कबीर रहमान अली रहमान रहीम रस खान परंपरा का कवि सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। जन सरोकार मंच परिवार को प्रणाम करता हूँ जिनके माध्यम से मैं आज जो कविता पाठ कर रहा हूँ आप लोगों तक कविता जाएगी और आप लोग आनंद लेंगे। रहीम रस खान परंपरा का कवि हूँ इसलिए आज मैं विगत में जितनी भी कविताएं थोड़ी बहुत जो अच्छी कविताएं हैं लिखा हूँ राम मंदिर के ऊपर, राम पर आज उसे मुक्तक छंद और गीत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं कविता भी पढ़ता हूँ। चर्चित हूँ अपने मुल्क में ईमान के लिए, है हौसला बुलंद स्वाभिमान के लिए, आए वतन पे आज गंवारा नहीं मुझे, कुर्बान है ये जान हिंदुस्तान के लिए। और जिस्म पर अपने हिंदुस्तान लिखता हूँ, शाम को गीता सुबह कुरान लिखता हूँ, और जो गुजर गए लम्हा जिंदगी के साए में दोस्तों उसी पे दास्तान लिखता हूँ। झील पर्वत गुफाओं में मिल जाएंगे, झील पर्वत गुफाओं में मिल जाएंगे, झील पर्वत गुफाओं में मिल जाएंगे, मंदिरों के शिलाओं में मिल जाएंगे, अवस्था दिल में सच्ची है उनके प्रति, राम केवट के नाव पर मिल जाएंगे, राम केवट के नाव में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आस्था सच्ची नहीं है और आप झूठे तिलक लगा करके और बहुरूपिया बनते हैं दिखावा करते हैं तो यही पंक्तियां मैं उलट करके पढ़ता हूँ कि झील पर्वत गुफाओं में न मिल पाएंगे, मंदिरों के शिलाओं में न मिल पाएंगे, ओत चंदन भटकते अगर स्वार्थ में, राम यज्ञों कथाओं में न मिल पाएंगे, राम यज्ञों कथाओं में न मिल पाएंगे। जबते जबते थक गया, जबते जबते थक गया बिक गया बिंदाम के, जबते जबते थक गया बिक गया बिंदाम के, मुफलसी के दौर में दर्शन किए श्री राम के, और मांग ली मन्नत क्षमा याचना कर जोर कर, जबते जबते थक गया बिक गया बिंदाम के, मुफलसी के दौर में दर्शन किए श्री राम के, और मांग ली उनसे क्षमा याचना कर जोर कर, मिल गई मुक्ति मुझे बिन प्याम चारो धाम के, बिन प्याम चारो धाम के। और चार पंक्तियां निवेदित है कि कुछ फिकर मुझको नहीं है नाम की, कुछ फिकर मुझको नहीं है नाम की, दिल में लगी जब आस्था श्री राम की, और जान भी ले ले जमाना गम नहीं, जपता रहूंगा नाम में सुधाम की, जपता रहूंगा नाम में सुधाम की। दो छंद पढ़ता हूँ। है प्राण भरत के बने राम, है प्राण भरत के बने राम, जिससे रघुकुल उजियारा है, जपते माला राम भरत की, शत्रुघ्न नयनों का तारा है, और लक्ष्मण चरणों का सेवक बन, करते दिन रात गुजारा है, अनुपम मिसाल है भ्रात प्रेम, साकेत जानता सारा है, साकेत जानता सारा है। और कम नहीं प्यार माताओं का, कम नहीं प्यार माताओं का, बहुओं पे सभी समर्पित हैं, और बहुओं का भी प्यार अलौकिक, पाकर माताएं हर्षित हैं। मांडवी बनी कौशल्य की सीता, सीते केकी से पुलकित हैं, और समझ राम को अपना बेटा सत्ता देने को इच्छित हैं, समझ राम को अपना बेटा सत्ता देने को इच्छित हैं। और उसी नगरी में जब चलते हैं और बाबरी मस्जिद की बात आ जाती है, राम मंदिर की बात आ जाती है, बाबरी मस्जिद ढाई जाती है, काफी गड़बड़ होता है, जात धर्म का नाटक होता है, और उसमें सियासी लोग अपना
सियासी पारा चढ़ा देते हैं। ऐसे में न जाने कितने निर्दोषों का खून बह जाता है, न जाने कितने मारे जाते हैं। और यही सबसे ओतप्रोत होकर के मैंने एक कविता लिखा था जो बहुत चर्चित थी और कई पत्रिकाओं में छपे भी, और वही कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं। और जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी उस समय मैंने चार पंक्तियां लिखी थी, लिखा था कि क्या पता था रक्त रंजित अवध का इतिहास होगा, 20वीं सदी के अंत में धर्म का उपहास होगा, और हम ही से प्यार करके वो ढहा डाले मेरे घर को, ऐसे भक्तों से भला देश को क्या आस, ऐसे भक्तों से भला देश को क्या आस। लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढह गई और लोग परेशान थे, राजनीति भी हो रही थी, तब मैंने कविता लिखा था, व्यंग कविता मैंने राम पर लिखा कि मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम, न जाने कब आओगे राम, पग पग पर है बहता काजल, धूमिल हो गई माँ की आंचल, तन मन कांप रहा है भय से, अब तो दिन भी लागे शाम, अब तो दिन भी लागे शाम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम, न जाने कब आओगे राम। पूर्व में हर पल वहशत जागी, सत्य साधना से मच भागी, और उचट गया मन अब पूजन से, उचट गया मन अब पूजन से, जहाँ झुक झुक सब करते प्रणाम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम। मूर्तिमान मंदिर में खड़े हो, मूर्तिमान मंदिर में खड़े हो, सीता संग खुद मौन पड़े हो, और दिख रहे नजरों से सब कुछ, दिख रहे नजरों से सब कुछ, हो चुप क्यों मेरे सुखधाम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम। नेताओं से पड़ गया पाला, नेताओं से पड़ गया पाला, लहू लुहान धरा कर डाला, नेताओं से पड़ गया पाला, लहू लुहान धरा कर डाला, और उजड़ गए सिंदूर बहुत से, उजड़ गए सिंदूर बहुत से, कुछ निकला ना परिणाम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम। फिर मैंने लिखा कि धर्म की ऐसी जंग छिड़ी है, मानवता भी भंग पड़ी है, धर्म की ऐसी जंग छिड़ी है, मानवता भी भंग पड़ी है, और व्यर्थ बहाकर लहू को अपने, व्यर्थ बहाकर लहू को अपने, कर देते तुझको बदनाम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, न जाने कब आओगे राम। दर्शन को अब पड़ गए लाले, दर्शन को अब पड़ गए लाले, कैद किए तुझे पहरा वाले, दर्शन को अब पड़ गए लाले, कैद किए तुझे पहरा वाले, क्यों इतने कमजोर पड़े हो, क्यों इतने कमजोर पड़े हो, कुछ तो बोलो अभिराम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि जन जन में नफरत की ज्वाला, जन जन में नफरत की ज्वाला, तनके उजले हैं मन काला, जन जन में नफरत की ज्वाला, तनके उजले हैं मन काला, और नफरत की दीवार तोड़कर, नफरत की दीवार तोड़कर, कुछ दे जाओ पैगाम, न जाने कब आओगे राम, मचा है घर घर में कोहराम, मचा है घर घर में कोहराम।
और इसके बाद काफी अरसा गुजर गया और गुजरने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने को हुआ और बड़ी मेरी इच्छा थी कि यहां पर मंदिर ही बने, और उस समय मैंने एक गीत लिखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के एक महीना पहले ही मैंने गीत लिखा, और जब गीत लिख करके तैयार कर दिया तो जिस समय 8 या 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके पहले मैंने गीत पढ़ा। फिर चैनलों पर मेरी कविताएं ये पढ़ी गई जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। बंद पढ़ता हूं। हम भी पूजा करें तुम इबादत करो, हम भी पूजा करें तुम इबादत करो, नेक राहों पे चल सबका स्वागत करो, फिर मिलेगी दुआ कुछ इशारे लिए, फिर मिलेगी दुआ कुछ इशारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। हम नहीं चाहते फिर कोई जंग हो, हम नहीं चाहते फिर कोई जंग हो, धर्म के नाम पर हर खुशी भंग, हम नहीं चाहते फिर कोई जंग हो, धर्म के नाम पर हर खुशी भंग हो, इसलिए हो मिलन, इसलिए हो मिलन कुछ नजारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। भूल बाबर ने की या किया मीर ने, भूल बाबर ने की या किया मीर ने, हक उचित ना दिया उसकी शमशीर ने। भूल बाबर ने की या किया मीर ने, हक उचित ना दिया उसकी शमशीर ने, दी बना बाबरी द्वंद सारे लिए, दी बना बाबरी द्वंद सारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। क्योंकि मैं कौमी एकता का प्रतीक हूँ, देश को मजबूत देखना चाहता हूँ, देश की एकता अखंडता कायम रहे, इसलिए मैं इसमें मैंने एक बंद अपनी इच्छा से जोड़ा कि मुल्क मजबूत करना मेरा काम है, मुल्क मजबूत करना मेरा काम है, गंगा जमुनी का होगा तभी नाम है। मुल्क मजबूत करना मेरा काम है, गंगा जमुनी का होगा तभी नाम है, चांद मुट्ठी में होगा, चांद मुट्ठी में होगा सितारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इस पे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि राम रहमान में फर्क करना गलत, राम रहमान में फर्क करना गलत, गर जमी आप हैं तो बना मैं फलक। राम रहमान में फर्क करना गलत, गर जमी आप हैं तो बना मैं फलक, जी सकोगे नहीं बिन सहारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। मांग ली रब से मन्नत तुम्हारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए, दो बना भव्य मंदिर हमारे लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद मंदिर का निर्माण होना चालू हुआ और निर्माण में लोगों ने एक ईंट के लिए चंदा भी दिया, तो उस समय मैंने एक गीत लिखा और आज मंदिर बन भी रहा है, निर्माण जारी है। तो मैंने गीत लिखा
कि चलो अयोध्या दर्शन करने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रख, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रखने। बरसों गुजर गए झगड़े में, बरसों गुजर गए झगड़े में, आखिर जीत हुई तगड़े में। बरसों गुजर गए झगड़े में, आखिर जीत हुई तगड़े में, अब मुक्त हुए रघुवर पहरे से, मुक्त हुए रघुवर पहरे से, सुप्रीम कोर्ट के क्या कहने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रख, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रख। सरयू तट से जल को लाकर, सरयू तट से जल को लाकर, शुद्ध करेंगे भूमि को जाकर, और फिर न मिलेगा मौका ऐसा, फिर न मिलेगा मौका ऐसा, चलो चलें पापों को हरने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रखने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रखने। मंदिर बनना अब है जारी, मंदिर बनना अब है जारी, जुटे काज में अवध बिहारी, तो भक्त करें जय घोष राम का, भक्त करें जय घोष राम का, पीतांबर तन पर हैं पहने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रखने, चलो अयोध्या दर्शन करने। सीता राम नयन के तारे, सीता राम नयन के तारे, सारे जग के वो रखवारे, तो शीश झुका तू उनके आगे, शीश झुका तू उनके आगे, तो ही तेरे भाग्य संवरने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर में रखने, एक ईंट मंदिर में रखने। क्योंकि मैं कौमी एकता का प्रतीक हूँ, इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भ्रम फैलाकर बनो ननेक, भ्रम फैलाकर बनो ननेक, राम रहीम दुनिया में एक, भ्रम फैलाकर बनो ननेक, राम रहीम दुनिया में एक, भ्रम फैलाकर बनो ननेक, राम रहीम दुनिया में एक, और जुट जाएं सब राम काज में, जुट जाएं सब राम काज में, रहमन नई कीर्त को रचने, चलो अयोध्या दर्शन करने एक ईंट मंदिर के रखने, चलो अयोध्या दर्शन करने। और वाणी पर विराम देने से पहले मैं प्रेम रस खान परंपरा का कवि होने के नाते मैं छंद पढ़ता हूँ। तुलसी और सूर सा प्रेम कहाँ, भक्तों में भक्त महान वही हैं, लिख डाले ग्रंथ बसा हिये में, सिये राम किशन की जान वही हैं, और शशि सूर सा बन चमके जग में, मानवता की पहचान वही हैं, और रहमान करें गुणगान सदा, जब जन जन की मुस्कान वही। और मानस से तुलसी चमके, हुलसी चमकी तुलसी पाकर, उपदेश सुना रतना चमकी, वैराग्य लिए तुलसी जाकर, और चमके राम सदा जग में, तुलसी ही सुचि रूप सजाकर, और जाग उठे रहमान धरा पर, शीश झुका तुलसी गुण गाकर, तुलसी गुण गाकर। और अंत में पुनः मैं श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, और जन सरोकार मंच परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।